खलांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुमली में 31 मई को उस समय सनसनी फैल गई जब दो दिन से लापता एक महिला का शव इसी ग्राम के एक कृषक के खेत में देखा गया। खबर मिलते ही मौके पर ग्रामीणों का हुजूम लग गया। मौके पर पहुंची खैलांजी पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर मृतिका जमुनाबाई पति रतिराम चौरावास 60 वर्ष का शव मौके से बरामद किया और पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं इस महिला की हत्या किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है, किंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूर्ण रूप से यह स्पष्ट हो पाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार जमुनाबाई चौरावार ग्राम कुमली में अपने पति के साथ रहती थी, जिसकी एक बेटी है जो बालाघाट में रहती है। यहां भी बताया गया कि जमुनाबाई खेती मजदूरी करती थी। 28 मई को सुबह 7 बजे जमुनाबाई अपने गांव के हरिराम सेलू करके खेत में धान काटने के लिए गई थी, किंतु जमुनाबाई शाम को अपने घर वापस नहीं आई। परिवार वालों ने उसकी खोजबीन की, खेत गांव और रिश्तेदारी में पता करने पर भी जमुनाबाई का कहीं पता नहीं चला, जिसके गुम होने की रिपोर्ट खैलांजी पुलिस थाने में दर्ज की गई थी। खैलांजी पुलिस ने गुम इंसान कायम कर जमुनाबाई की खोजबीन कर रही थी। वहीं परिवार के लोग भी जमुनाबाई को तलाश कर रहे थे। खोजबीन के दौरान 31 मई को 10:30 बजे ग्राम कुमली के ही नत्थूलाल मंद्रेले के खेत में एक महिला का शव देखा गया। खबर मिलते ही ग्राम कुमली में सनसनी फैल गई। वहीं ग्रामीणों का मौके पर हुजूम लग गया। मृतिका की पहचान जमुनाबाई पति रतिराम चौरावार 60 वर्ष के नाम से उसके परिजनों ने की, जिसकी रिपोर्ट अमलेश पिता वेंकटराव चौरावार 28 वर्ष ने ग्राम कुमली निवासी के द्वारा खैलांजी पुलिस थाने में की। वहां से पुलिस स्टाफ मौके पर पहुंचा और तस्दीक शुरू की। जमुनाबाई का शव छत विछत हालत में था, जिसकी संदिग्ध स्थिति में मौत हुई। थाना प्रभारी सुनील चतुर्वेदी ने शव पंचनामा कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और आगे मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि जमुनाबाई की हत्या की गई, किंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। इस मामले की जांच खैलांजी थाना प्रभारी के द्वारा की जा रही है।